आज से एक प्रयास संस्था जो कि बीते काफ़ी वर्षों से कैंसर से रोकथाम एवं बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाती आ रही है, आगामी विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी 2023 को आने वाला है पर लाइफ रियल हीरोज सम्मान समारोह करने जा रही है। इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए दिल्ली के लेखु नगर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान आज एक प्रयास संस्था की संस्थापिका डॉक्टर दीपिका एवं श्रीमान अजय भाटिया ने बताया कि उनका इस कार्यक्रम को लेकर एकमात्र उद्देश्य समाज से कैंसर जैसी बीमारी को निकाल फेंकना है, चाहे वो शारीरिक कैंसर हो या मानसिक। संस्था की बोर्ड मेंबर एवं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निकिता नागर ने बताया कि इस कार्यक्रम से आने वाली युवा पीढ़ी उन लोगों को अपना प्रेरणा स्रोत बना सकेगी जो सही मायने में रियल हीरो हैं, लेकिन जिन्होंने समाज और देश के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किए हैं और करते आ रहे हैं। मोटिव हमारा यही है कि जो हम पे बीता वो तो बीत गया, उसको हम भूल के आगे बढ़ के और लोगों के साथ ऐसी कोई चीज ना हो, इस अवेयरनेस के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, लाइफ, सेकंड लाइफ हमें मिली है, हम उसको वर्थफुल बनाना चाहते थे कि गॉड ने जो हमें, भगवान ने जो हमें लाइफ दी है उसको हम फ्रूटफुल कैसे कर सकते हैं, एक सेकेंड लाइफ को लोगों को किस तरीके से किसी भी चीज से बचा के, कैंसर जैसी बीमारी से बचा के, या और भी कई जो कुरीतियां समाज में फैली हुई हैं, नशा है और भी कई चीजें हैं, तो उन चीजों से कैसे बचा सकते हैं, यही सोच के हमने आज से प्रयास संस्था का स्थापना की। और उसी कड़ी में लाइफ रियल हीरो अवार्ड जो हमने रखा है कि आज समाज के अंदर हीरो की परिभाषा को रीडिफाइन करने के लिए आज एक प्रयास संस्था काम कर रही है कि रियल हीरो होते कौन है। रियल हीरो वो नहीं होते जो सिनेमा घर में हम जिन हीरोज को देखते हैं, रियल हीरो वो हैं जो कि सारी कठिनाइयों के बावजूद अपनी लाइफ के अंदर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी स्वार्थ के, ऐसे निस्वार्थ लोगों की, उनको एक मंच प्रदान करना, उनको सम्मान देना, उनका आदर करना, ये हमारा इस रियल हीरो का मेन मोटिव है। और उसी कड़ी में आगामी 4 फरवरी को 2023 को दिल्ली के अंदर ये रियल हीरो अवार्ड 2023 ये हम कर रहे हैं, तो आप सभी से अपेक्षा है कि आप हमें सहयोग करें। रोलनी दास जी हैं जो ओडिशा से आई हैं, जो 9th क्लास से जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं ट्राइबल एरियाज के जितने कैंसर पेशेंट्स हैं उनको ले लेकर जाती हैं हॉस्पिटल तक, उनका इलाज करवाती हैं और कोशिश करती हैं कि उनको गवर्नमेंट एड मिले। तो ये 9th क्लास से कर रही हैं और 15 हो गए हैं उनको ये काम करते हुए, चले जाएंगे कैंसर के। तो ये इसीलिए हमने ये सोचकर आज एक प्रयास खोला था होप्स के साथ कि हम कोशिश कर सकते हैं कि हम कैंसर फ्री इंडिया बना सकें। इसका ये संस्था खोलने के आपको कोई मार्गदर्शन भी था कि आपने उसको देखा, आपको मोटिवेशन मिला कि मुझे इनकी तरह बनना है या उसकी तरह काम करना है? इसके लिए मेरे महाशय धर्मपाल जी हमेशा मेंटर रहे, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और उसकी वजह से ये संस्था हमने खोली। और मेन और दूसरा मोटिव था कि पहले भी मेरे पापा जो थे कैंसर से जा चुके हैं, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि कितना पेनफुल होता है जब कैंसर से कोई चला जाता है। घर के अंदर अगर एक भी कोई चला गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और कैंसर के साथ आपके पैसे भी जो है वो आपकी पॉकेट्स खाली हो जाती हैं, लेकिन कैंसर से आप उस मरीज को बचा नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से अवेयरनेस बेस्ट है, और एज अ डाइटिशियन भी मैं बहुत सारे फूड्स के ऊपर काम करती हूँ, सो दैट कि मैं लोगों को बता सकूँ कि कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा खान पान रखना चाहिए और कैसा लाइफस्टाइल रखना चाहिए। तो ये इस दौरान हमने इस तरीके से ये किया है। आपकी एक और संस्था है, हर साल करते हैं, कोविड की वजह से हम 2 का जो नहीं कर पाए और इस बार हमारा सीजन 2 है। फर्स्ट सीजन हमने 2019 में किया था जिसमें महाशय धर्मपाल जी खुद चीफ गेस्ट थे और उन्हें हमने एज अ रियल हीरो उन्हीं की वजह से हमने ये शुरू किया था, क्योंकि इसके पीछे एक मोटिव है कि हम चाहते हैं कि हम ऐसे हिडन टैलेंट्स और ऐसे हिडन अनसंग हीरोज को लेकर आए, सो देट कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उन चीज़ों से सीखे। और हम नहीं चाहते कि बॉलीवुड स्टार्स जो आज हम देखते हैं कि बच्चे आज उनके गाने जो है ना मुंह के ऊपर चढ़े हुए हैं, या हम देखते हैं कि बच्चे भी आज उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं, बिकॉज वो एक्टिंग करते हैं, दे आर द एंटरटेनर्स, वो कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन बच्चे शायद आज रानी झांसी को भूल गए हैं, महाराणा प्रताप की स्टोरीज भूल गए हैं,
तो हम दोबारा से उन्हें उस रिकॉल करवाना चाहते हैं कि ऐसे हीरोज हमारे देश के अंदर है, उनसे आप इंस्पिरेशन लें, उनके जैसे बनिए, सो दैट कि हमारा देश आगे बढ़े। और मैं ये भी सोचती हूँ कि कैंसर कई तरह के हैं, मेंटल कैंसर भी होता है, फिजिकल कैंसर भी होता है, ये जो मेंटल कैंसर आजकल पनप रहा है, हम उस पर भी इसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाएं। ये संस्था इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।